गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप काफ़ी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, हम 12th क्लास NCERT फिजिक्स का सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं। सेकंड चैप्टर के हमारे अभी तक 3 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम फोर्थ चैप्टर लेकर आपके बीच उपस्थित हुए हैं। फोर्थ लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, बिंदु आवेशों के समूह के कारण वैद्युत विभव। देखो, हमारे पास क्या है, बहुत सारे बिंदु आवेशों का समूह है। उन समूहों के कारण हमें कुल वैद्युत विभव फाइंड करना है। देखो, इस टॉपिक में क्या होगा, सपोज ये हमारे पास Q1 आवेश है, ये हमारे पास Q2 आवेश है, ये हमारे पास Q3 आवेश है, ये हमारे पास Q4 आवेश है। तो बहुत सारे बिंदुओं का क्या है, ये समूह है, 4-5 कितने भी हो सकते हैं। और सपोज ये वाला हमारे पास P पॉइंट है। इन बिंदुओं के समूह के कारण, ठीक है ना, देखो जो ये चार्ज है, जो ये बिंदु आवेशों का समूह है, इनके कारण हमें बिंदु P पे क्या निकालना है, विद्युत विभव निकालना है। सबसे पहले हमें डिस्टेंस पता होनी चाहिए। सपोज ये वाली डिस्टेंस R1 है, ये वाली डिस्टेंस क्या है, R2 है, ये वाली डिस्टेंस क्या है, R3 है, ये वाली डिस्टेंस क्या है, R4 है, ठीक है ना। हम इनके कारण विद्युत विभव आसानी से निकाल सकते हैं। जो आवेश है ना Q1, Q2, Q3, Q4, इसमें से हो सकता है कुछ प्लस के और कुछ माइनस के हो। सपोज Q1, Q2 पॉजिटिव चार्ज है और जो Q3, Q4 है वो नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। हमें बिंदु P पे वैद्युत विभव निकालना है। इसके बारे में पहले हम कुछ लिख देंगे, फिर इसका फॉर्मूला निकाल लेंगे। देखो कैसे, माना कोई बिंदु P चार बिंदु आवेशों का नाम B लिख देंगे यहां पे, प्लस Q1 प्लस Q2 माइनस Q3 व माइनस Q4 से क्रम से R1, R2, R3 व R4 दूरी पर स्थित है। अतः इन चारों आवेशों के कारण बिंदु P पर कुल वैद्युत विभव। देखो क्या होगा, V इक्वल टू किसके होगा, पहले के कारण जितना लगा है उतना, प्लस फिर दूसरे के कारण, फिर तीसरे के कारण और फिर चौथे के कारण। तो इसको हम ऐसे फाइंड कर सकते हैं, V इक्वल टू V1 की वैल्यू क्या होगी, 1/4πε0k और Q/ कितना, R1 लिखेंगे। देखो Q1 था ना यहाँ पे आवेश, तो Q1/R1 प्लस 1/4πε0k और यहाँ पे कितना था, प्लस Q2/R2, फिर प्लस 1/4πε0k और यहाँ पे चार्ज था माइनस Q3, अपॉन डिस्टेंस थी यहाँ पे कितनी, R3, फिर 1/4πε0k, चार्ज कितना था माइनस Q4 और डिस्टेंस कितनी है R4। इसको आगे बढ़ा सकते हैं हम। देखो 1/4πε0k सभी में है, ठीक है ना, तो सभी में है तो कॉमन ले लो, तो कितना होगा, V इक्वल टू 1/4πε0k इंटू, यहाँ से क्या बचेगा, Q1/R1, यहाँ से क्या बचेगा, Q2/R2, यहाँ से -Q3/R3 और यहाँ से -Q4/R4। तो Q1/R1 प्लस Q2/R2, और देखो प्लस माइनस तो माइनस होगा ना, यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस, तो माइनस का Q3/R3 और माइनस का Q4/R4,
इतना वोल्ट होगा, ठीक है ना। तो चार बिंदु आवेश हो आपके पास, पांच हो, छह हो, कितने भी हो, आप उनको डायरेक्टली ऐड करके आंसर फाइंड कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं हम। नेक्स्ट टॉपिक भी हमारा इम्पोर्टेंट है, एक नंबर में अक्सर पूछा जाता है। इस टॉपिक का नाम क्या है? समविभव परस्थ। ठीक है, देखो नाम से ही क्लियर है, सम का मतलब क्या होता है? समान। जिस परस्थ पे विभव क्या होगा? समान होगा, उस परस्थ को हम क्या बोल देंगे? समविभव परस्थ बोल देंगे। तो देखो इसकी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, किसी वैद्युत क्षेत्र में, किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया, किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह प्रस्थ जिसके प्रत्येक बिंदु पर, जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव, जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है, जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है, समविभव प्रस्थ कहलाता है। समविभव प्रस्थ कहलाता है, ठीक है ना। कुछ इस तरीके से हमें इसकी डेफिनेशन दे देनी है। सपोज यहाँ पे कोई वैद्युत क्षेत्र है और इस वैद्युत क्षेत्र में हमने ये कोई प्रस्थ खींचा हुआ है। अब यहाँ पे सपोज यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पे कितना चार्ज है? प्लस क्यू। और देखो वैद्युत बल रेखाएं इस तरीके से हमने दर्शाई हुई है, अब देखो एक चीज और समझो यहाँ पे, जो ये वैद्युत बल रेखा है ना, इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पे, इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर लंब होती है, इस चीज का हमें ध्यान रखना है। हम यहां पे लिख सकते हैं नोट पॉइंट में, नोट पॉइंट, समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर, समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर बल रेखाएं लंबवत होती है। बात समझ में आई? समविभव पृष्ठ के हर एक बिंदु पर जो वैद्युत बल रेखा होगी वो क्या होगी? लंबवत होगी। जैसे ये वाला पॉइंट है, ठीक है, ये तो स्पर्श रेखा है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो वैद्युत बल रेखा है वो कैसी है? लंबवत है। आपको इस चीज का ध्यान रखना है। तो एक नंबर में आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है कि आपसे ये पूछ लेगा कि समविभव पृष्ठ बताइए क्या होता है, या समविभव पृष्ठ की परिभाषा दीजिए। तो वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या हो? समान हो, तो उसको हम क्या बोल देंगे? समविभव पृष्ठ बोल देंगे। चलिए अब हम देख लेते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। तो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। अब देखो इसको अच्छे से समझ लेते हैं, ये है क्या। देखो हमारे पास सपोज करो दो या दो से अधिक चार्ज है, इसको हम ए बी नाम दे सकते हैं। सपोज ये ए बी हमारे पास कोई निकाय है, इसके ए सिरे पे प्लस क्यू वन चार्ज है और बी सिरे पे प्लस क्यू टू चार्ज है, ठीक है, प्लस माइनस चार्ज कुछ भी हो सकते हैं। देखो जो दो चार्ज है या दो से अधिक चार्ज है, या तो वे एक दूसरे को क्या करेंगे? आकर्षित करेंगे, या वे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। अब दो आवेशों को एक दूसरे से दूर ले जाने में या एक दूसरे के निकट लाने में कुछ तो काम करना पड़ेगा, कुछ तो कार्य करना पड़ेगा। जो वो किया गया कार्य है वही किस में संचित होगा? वही स्थितिज ऊर्जा में संचित होगा। उसी को हम क्या बोल देंगे कि जो एक कार्य है वही इनकी स्थितिज ऊर्जा है। अब एक डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। देखो यहाँ पे हमारे पास ए पॉइंट पे प्लस क्यू वन चार्ज है, बी पॉइंट पे प्लस क्यू टू चार्ज है, और सपोज करो जो ये चार्ज है ना क्यू टू, ये यहाँ पे ना होके ये कहीं इन्फिनिटी पे था, तो इन्फिनिटी से यहाँ तक लाने में, सपोज यहाँ पे था, ये यहाँ पे क्या है? इन्फिनिटी है। इसको हम यहाँ से उठा के यहाँ तक लेके आए,
तो हमें सपोज करो W काम करना पड़ा, तो जो ये W हमें काम करना पड़ा है, इस काम को ही हम क्या बोल देंगे, स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा बोल देंगे। बात समझ में आई? चलिए इसकी थ्योरी कुछ लिख लेते हैं हम। दो या दो से अधिक आवेश एक दूसरे को आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित करते हैं। ये बात करेक्ट है एकदम। दो चार्ज या तो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे या एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। बात क्लियर है ना? दो आवेश कब आकर्षित करेंगे? जब वे अपोजिट प्रकृति के होंगे। मान लीजिए एक प्लस है एक माइनस है, या एक माइनस है एक प्लस है, तब क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, आकर्षित करेंगे। और अगर सेम नेचर के हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव है या नेगेटिव नेगेटिव है, तब एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। यहाँ पे हमने क्या लिखा है, दो या दो से अधिक आवेश एक दूसरे को आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित करते हैं। अतः यहाँ पे लिख सकते हैं हम, अतः आवेशों को एक दूसरे से दूर ले जाने अथवा निकट लाने में जो कार्य करना पड़ता है वह कार्य ही निकाय की स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। ठीक है ना? अब देखो हमारे पास यहाँ पे क्या है, एक निकाय है ए बी। ए पे प्लस Q1 चार्ज रखा है और बी पे प्लस Q2 चार्ज रखा है। ये आवेश एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर स्थित है। अब हम क्या मान के चलेंगे, जो ये प्लस Q2 चार्ज है, ये बिंदु B पे ना होके बिंदु कहाँ है, इन्फिनिटी पे है, और इन्फिनिटी से इसे हम यहाँ पे उठा के लाए हैं। और हमें कितना कार्य करना पड़ा है, W कार्य हमें करना पड़ा है। सबसे पहले काम करेंगे इस बिंदु B पर क्या निकाल लेंगे, विभव निकाल लेंगे। किसके कारण, इस प्लस Q1 चार्ज के कारण। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम, प्लस Q1 आवेश के कारण बिंदु B पर वैद्युत विभव। तो क्या मान के चलो, V का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4πε0K इंटू प्लस Q1 के कारण निकाल रहे हैं ना, तो प्लस Q1 और बीच की डिस्टेंस कितनी है, R है। अब एक बात ये समझो कि जो प्लस Q2 चार्ज है उसको इन्फिनिटी से बी तक लाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। प्लस Q2 को अनंत से बिंदु बी तक लाने में किया गया कार्य। ठीक है, देखो W इक्वल टू क्या होगा, Q2 इंटू वी। देखो आपको एक फॉर्मूला बताया था कि V बराबर क्या होता है, W/Q। Q को इधर भेजेंगे तो क्या होगा, V मल्टीप्लाई Q इक्वल टू कितना, W। यानी कि W बराबर Q भी हम कह सकते हैं। अब देखो W बराबर Q2 मल्टीप्लाई, इस V की वैल्यू पुट करो, 1/4πε0K इंटू Q1/R। इसको और सही तरीके से लिख लेते हैं, W बराबर कितना, 1 अपॉन
4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इनटू क्यू वन क्यू टू अपॉन आर। तो ये क्या होगा, ये किया गया कार्य होगा और कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल। और देखो आपको शुरुआत में ही क्या बताया है, जो कार्य करना पड़ता है वह कार्य ही निकाय की स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। अतः यहाँ पे लिखेंगे हम, अतः किया गया कार्य ही स्थितिज ऊर्जा होगा, स्थितिज ऊर्जा होगा, ठीक है ना, जो कार्य है वो स्थितिज ऊर्जा होगा। अब देखो जो W है उसी के बराबर हम क्या लिख सकते हैं, U, कैपिटल U से ही तो प्रदर्शित करेंगे। तो U इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इनटू क्यू वन क्यू टू अपॉन आर। इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा इतने जूल। तो ठीक है प्यारे बच्चों, आज की क्लास में इतना ही करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम और भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स लेकर आने वाले हैं। तब तक आप अपनी स्टडी को अच्छे तरीके से इफेक्टिव तरीके से करते रहिएगा। आज की क्लास को अटेंड करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।